नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ काठगोदाम पर, जहाँ पर हमारी कुमाऊँ की संस्कृति को दिखाया गया है। नगरपालिका हल्द्वानी काठगोदाम द्वारा यहाँ पे बेहतरीन चित्र बनाए गए हैं कुमाऊँनी संस्कृति को दिखाते हुए। ये एकदम पेट्रोल पंप के सामने है, अभी हाल ही में बनाया गया है काठगोदाम हल्द्वानी नगरपालिका द्वारा, और इसका उद्घाटन भी किया गया है और ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आपको एक बाखली जैसी भी दिखेगी, बाखली मतलब एक घर जैसे होता लंबा पहाड़ों में। देखो, इसमें आपको उत्तराखंड की संस्कृति दिखाई देगी। जैसे एक महिला है जो ओखल में कुछ कूट रही है, जैसे धान या कुछ अनाज, और वहाँ पे आपको एक आदमी टोपी में बैठे हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड संस्कृति दिखा रही है यहाँ पर, ये काठगोदाम कॉल्टेक्स पर। नीचे जिसको गोड कहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जानवर भी दिखाई देंगे। हमारी जो कुमाऊँनी संस्कृति है ना, वो बहुत ही प्यारी संस्कृति है, और उत्तराखंडी संस्कृति कह लीजिए, और उस संस्कृति के दर्शन आपको यहाँ पे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि सरकार संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है, और बहुत अच्छी तरह से कदम उठा रही है। जगह जगह पर इस तरह के चित्र या डिजाइन या पेंटिंग कर रही है, जैसे यहाँ पे किए हैं, ऐसे तिकोनिया पे भी दीवाल पे किए हुए गए हैं, जहाँ पे जिला अधिकारी जी का आवास है उससे आगे की तरफ, तिकोनिया की तरफ इसी तरह बनाए गए हैं, देखने लायक हैं, प्यारे बनाए गए हैं। और कुछ आगे पे आप देखेंगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक आदमी के हाथ में हुड़का है और वो हुड़का बजा रहा है। तो ये सारा जो है कुमाऊँनी संस्कृति को दिखाया गया है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह। जब भी आप नैनीताल को जाएं या भीमताल को जाएं, तो काठगोदाम से थोड़ा पहले है पेट्रोल पंप के पास, सामने ही आपको दिखाई देगा। आप रुककर इसे देख सकते हैं, आनंद कर सकते हैं और कुमाऊँनी संस्कृति को जान सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा और मैंने सोचा कि इस चीज़ को आप लोगों के संग साझा किया जाए। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। जय उत्तराखंड, जय भारत।